नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि अब जो है ऑडिट भी ऑनलाइन होने लगा है, पूरी उसकी ऑडिट ऑनलाइन, पूरी ऑडिट की फीडिंग जो है ऑनलाइन होती है। तो दोस्तों ऑडिट ऑनलाइन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है अभी प्राप्त हुई है, तो उसके संबंध में हम इस आज की इस वीडियो में बातें रखेंगे, बातें समझेंगे। तो दोस्तों ऑडिट ऑनलाइन जो है वह प्रत्येक वर्ष होना जरूरी है, क्योंकि अब जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल से ही पूरा कार्य ऑनलाइन संपादित होता है, इस तरह ऑडिट भी ऑनलाइन, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है शर्त रख दी गई है कि यदि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का यदि जो है ऑडिट ऑनलाइन नहीं किया गया है, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑडिट नहीं किया गया है, तो इस वर्ष 2023-24 अंतर्गत 15 वित्त आयोग की राशि बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यदि पंचायतों द्वारा 2021-22 का जो है ऑडिट ऑनलाइन नहीं किया गया है, तो उन्हें 2023-24 में 15 वित्त आयोग की बिल किसी भी मद अंतर्गत जो है राशि प्राप्त नहीं होगी। तो उस संबंध में ही महत्वपूर्ण आदेश भी है, और भी जानकारियां हैं, तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को ऑडिट ऑनलाइन की वेबसाइट तो पता ही है, audit-online.gov.in, auditonline.gov.in। जैसे ही हम गूगल सर्च या किसी भी ब्राउज़र की URL में टाइप करेंगे, तो इस तरह से ऑडिट ऑनलाइन का होम पेज जो है आ जाएगा। हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देखे जाते हैं, और इसमें जो भी लॉगिन कर भी किस तरह से हम रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, और भी ऑप्शंस पर आपको बताते रहूँगा वीडियो बनाकर। और दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी आपको पता है, eGramSwaraj.gov.in, तो इसमें भी ऑडिट ऑनलाइन की जो है ऑडिट की पूरी ऑनलाइन, ऑडिट ऑनलाइन जो है उसकी पूरी रिपोर्ट्स दिखती रहती है। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण जो आदेश आया दोस्तों वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकला है, क्रमांक दे सकते हैं आप ऑडिट ऑनलाइन 14495, भोपाल दिनांक 12/5/2023, 12 मई 2023 को ही निकल चुका है आदेश। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। मैं आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, आदेश बता रहा हूँ, लेकिन यह जो है प्रत्येक स्टेट में लागू होगा, ऑनलाइन ऑडिट के संबंध में प्रत्येक राज्य में ये लागू होगा। तो विषय है ऑनलाइन ऑडिट विषय पर जनपद पंचायतों के खंड पंचायत अधिकारियों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक सह कार्यशाला के आयोजन के संबंध में। तो ऑनलाइन ऑडिट विषय पर दोस्तों जो जनपद पंचायत हैं उनके खंड पंचायत अधिकारी जो रहते हैं उनकी एक दिवसीय समीक्षा बैठक रही गई है, और सह कार्यशाला भी है, दोनों के आयोजन के संबंध में है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप भली भांति अवगत हैं कि यदि दिनांक 30 जून 2023 तक पंचायतों का वर्ष 2021-22 का ऑनलाइन ऑडिट कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तो वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रत्येक राज्य के लोगों के लिए है, ये ध्यान कर लें कि यदि दिनांक 30 जून 2023 तक पंचायतों का वर्ष 2021-22 का, जो 2021-22 है उसका यदि ऑनलाइन ऑडिट कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तो वर्ष 2023-24 में 15 वित्त आयोग अंतर्गत राशि बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अमले के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य समस्याएं ग्राम पंचायतों द्वारा ऑडिट के लिए आवश्यक अभिलेख तैयार नहीं करना तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर ऑडिट संपादित कराने हेतु उपस्थित नहीं होना आ रही है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के अभिलेख समय पर तैयार हों तथा ऑडिट हेतु उपलब्ध हो सके, यह कार्य संबंधित जनपद पंचायतों के खंड पंचायत अधिकारियों के कार्यों में सम्मिलित है, ठीक है, जिम्मेदारी भी है। तो ऑनलाइन ऑडिट कार्य में खंड पंचायत अधिकारी की भूमिका तथा समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए तैयार की गई रणनीति पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, निम्न कार्यक्रम अनुसार खंड पंचायत अधिकारियों की समीक्षा बैठक सह कार्यशाला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान भोपाल ETC भोपाल साक्षी ढाबे के पास बरखेड़ी बदबदा रोड भोपाल में एक दिवसीय समीक्षा बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई है। तो दोस्तों आज जैसे 22 तारीख है, 24 तारीख को है सरल क्रमांक
एक दो हजार देखेगा बैठक दिनांक जिले जिनके जन पंचायत और खंड पंचायतिकारी उपस्थित रहेंगे 24/5/2023 को जो जो जिलों के खंड पंचायतिकारी कौन कौन से हैं आगर मालवा अलीराजपुर अनूपपुर अशोकनगर बालाघाट सारे जिलों के नाम हैं बड़वानी बैतूल भिंड भोपाल बुरहानपुर छतरपुर छिंदवाड़ा दमोह दतिया देवास धार डिंडोरी खंडवा गुना ग्वालियर हरदा नर्मदापुरम इंदौर जबलपुर एवं झाबुआ इनकी है 24/5/2023 को 25/5/2023 को किनकी बैठक है कटनी खरगोन मंडला मंदसौर मुरैना नरसिंहपुर नीमच पन्ना रायसेन राजगढ़ रतलाम रीवा सागर सतना सिवनी सीहोर शहडोल श्योपुर साजापुर शिवपुरी सीधी सिंगरौली टीकमगढ़ निवाड़ी उज्जैन उमरिया एवं विदिशा। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस समीक्षा बैठक सह कार्यशाला में जनपद पंचायत खंड पंचायतिकारी प्रभारी खंड पंचायतिकारी को अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का कष्ट करें कृपया ऐसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। अमरपाल सिंह जी सहायक संचालक सह आयुक्त महोदय पंचायत राज संचालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है दोस्तों और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है संचालक सह आयुक्त महोदय पंचायत राज संचालय मध्य प्रदेश द्वारा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये आदेश दोस्तों जैसा कि मैंने जो आपको मेन पॉइंट दिखाया जो हम सभी ग्राम पंचायतों को ध्यान रखना है कि यदि 30 जून 2023 तक पंचायतों का वर्ष 2021-22 का 2021-22 का ऑडिट ऑनलाइन नहीं किया गया है तो 2023-24 में 15 वित्त आयोग अंतर्गत जो है राशि बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है तो इसी तरह दोस्तों हर छोटे से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।